नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 6, राज्य की कार्यपालिका। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत पढ़ने वाले हम राज्य की कार्यपालिका। तो वैसे तो पूरा राज्य का प्रशासन ही इसमें है, भाग 6 में, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य की कार्यपालिका। वैसे राज्य शासन जो है वो भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 233 तक, लेकिन हम कहां से कहां तक पढ़ने वाले हैं आज, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक, 167, 153 से 167। ठीक, राज्य कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आता है दीक्षा? राज्यपाल और मुख्यमंत्री। इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री, ऐसा कोई अनुच्छेद है क्या कि जिसमें मुख्यमंत्री और ये और वो होंगे करके, ऐसा कोई अनुच्छेद है, कोई बता दे। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 क्या लिखा है, जैसे अनुच्छेद 74 केंद्रीय कार्यपालिका के लिए प्रधानमंत्री के विषय में, वैसे ही अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद है ना, राज्यपाल को सहयोग व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 153 सबसे पहले, अनुच्छेद 153 कोई बता सकता है कि क्या प्रावधान है अनुच्छेद 153 में? अनुच्छेद 153 सिर्फ इतना सा, इसका ब्लूटूथ बंद है। आपने क्या बोला, राज्यपाल, सही ढंग से बोलो, उत्तर एकदम सही है आपका। तो इसमें अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, बस ये है अनुच्छेद 153। राज्यपाल के पद की बात की है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। किस देश से लिया गया है ये पद, कनाडा से, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली है हमारी, संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है और संघात्मक शासन प्रणाली हमने कहां से ली है, कनाडा से ली है। तो ये कनाडा से लिया गया पद है, कनाडा के संविधान से प्रेरित ये पद है। लेकिन सातवां संविधान संशोधन की यदि हम बात करें तो सातवां संविधान संशोधन 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956 क्या है इसमें कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। वैसे अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन सातवां संविधान संशोधन 1956 में क्या बोला कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। सॉरी, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154, ये दोनों बातें क्लियर हो गई एकदम। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 153 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा, ये अनुच्छेद 153 में ही है। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति।
कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर करता है? मुख्यमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, या प्रधानमंत्री की सलाह पर? ठीक है, सीधा सा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और किसका प्रतिनिधि होता है राज्यपाल? राष्ट्रपति का, केंद्र सरकार का। ये चीजें छोटी छोटी है लेकिन इसे पता होना चाहिए हमें, किसका प्रतिनिधि है वो? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। केंद्र को सशक्त बनाया है, संघात्मक शासन प्रणाली में हमने पढ़ा कि भारत में सशक्त केंद्र है, राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तियां किसको दी है? केंद्र को दी है, इसलिए वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करता है। सीएम की सलाह मानता है वो, कारण क्या है उसका? सीएम की सलाह मानता है वो राज्य में, उसके तो एक संवैधानिक प्रावधान भी है अनुच्छेद 163 में, मंत्रिपरिषद की सलाह मानना है उसे। लेकिन एक और है, क्योंकि वो नियुक्त है और सीएम जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा चुने गए होते हैं, तो इसलिए उसको सीएम की सलाह मानना होता है। एक ये इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब अनुच्छेद 156 पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 156, यहां अनुच्छेद 155 ये राष्ट्रपति की राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान पड़े कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये है अनुच्छेद 155 में प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक, अनुच्छेद 155। अब यदि हम उसको शुरू में देखें, अनुच्छेद 153, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, और सातवां संविधान संशोधन 1956, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, किसकी सलाह पर करेगा, सीएम की क्या भूमिका होगी, किसका प्रतिनिधि होगा, ये पूरे के पूरे प्रावधान अनुच्छेद 155 में। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 कोई बता सकता है क्या है इसमें? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 राज्य, जी बिल्कुल सही, राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि, राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि, दो कार्यकाल होते हैं इसके, कोई बता सकता है कि कौन कौन से? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सामान्यतः जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये बोला जाता है। तो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष, या जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न किया जाए, जब तक उनका उत्तराधिकारी नियुक्त न किया जाए, तो राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 156 के बाद अनुच्छेद 157 क्या होगा? अनुच्छेद 157 में कार्यकाल के बाद, कार्यकाल के बाद क्या होगा? योग्यता है,
योग्यता है। हाँ बताइए, अब आप ही बताओ क्या योग्यता है। संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदस्य होगा तो उसे कैसे बना सकते हैं? संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, ये शर्त है। वो भी पहली नहीं, सबसे पहली शर्त तो ये है, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, आपने अच्छा बताने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है। भारत का नागरिक हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कहीं पर भी लाभ के पद पर न हो, चाहे केंद्र में हो या फिर राज्य में, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और केंद्रीय या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, है सदस्य न हो, केंद्रीय या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। बिल्कुल सरल है एकदम। राज्यपाल के पद के लिए योग्यता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 35 वर्ष की आयु, और हम 25, 30, 21 के पढ़ चुके हैं। एक दिन पूरी सूची बनवा दी थी मैंने कि किस पद के लिए कितनी आयु होना चाहिए, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अनुच्छेद 58 में क्या दिया है, अनुच्छेद 158 में क्या दिया है, कोई बता सकता है क्या? अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158, हाँ नहीं तो अनुच्छेद 158। नंदिनी मैडम बताइए। नहीं, शपथ तो अनुच्छेद 159 में है, शपथ में है राज्यपाल कार्यालय, बस इतना सा लिखेंगे, राज्यपाल का कार्यालय। ठीक, अनुच्छेद 156, 58 है ना, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय वह दशाएं भी है, राज्यपाल के कार्यालय की दशाएं, ऐसा लिख लो, सीधा सा है, कोई कठिन नहीं है इसमें कुछ भी। अनुच्छेद 159 ये महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 159 यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। एक आध क्या है, शपथ, राज्यपाल की शपथ, अब हमने पढ़ लिया, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, विचार विमर्श किया जाता है किससे, जिस राज्य में नियुक्त किया जाता है उसके मुख्यमंत्री से, उनसे विचार विमर्श जरूर किया जाता है। तो इतनी सारी बात बता दी, अब ये क्वेश्चन और है कि इसे शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, कौन ना शपथ दिलाते हैं इसके, हाई कोर्ट। हाँ, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब यहां थोड़ी सी दिक्कत हो गई नंदनी जी, ऑनलाइन वाले दूसरे तो कोई बोल ही नहीं रहा है आज, क्या एक ही राज्यपाल को दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया है तो उसको शपथ किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा? एक राज्यपाल है और दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, एक व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल,
तो उसे शपथ कौन से राज्य का हाई कोर्ट का तो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा? नंदनी जी आप बताइए। गुड गुड, ये विकल्प दिया रहेगा, बिल्कुल दिया रहेगा, और सब लोग यही सोचेंगे और सब के सब गलत सोचेंगे। हर राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अलग अलग शपथ दिलाएगा। क्लियर? एकदम अलग अलग। जब जहां पद ग्रहण करेगा ना वो, वहां उस राज्य की शपथ उसे अलग लेना पड़ेगा। क्लियर? एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। यदि दो राज्यों में एक ही राज्यपाल हो तो उसे दोनों राज्यों में अलग अलग शपथ लेना पड़ेगा। अलग अलग शपथ लेना पड़ेगा। दीक्षा समझ में आएगी? फिर भी नहीं हंसे आप? हाँ, कभी कभी समझ में नहीं आता, आप एकदम घर से ही गुस्सा होकर आ जाते हो। हाँ? अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 कौन बताए गए? राष्ट्रपति शासन तो सबने पढ़ा है सिफारिश करते हैं जी। राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए उनको सिफारिश करते हैं। आप क्या करना, यह एक डब्बा बनाना और दो चार पत्थर रखना है उसमें है ना, कि बोलता हूं तो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाता है, तो उठाए और एक दिया, ऐसा कुछ कर देना। अनुच्छेद 160 कोई बताएगा क्या? ऑनलाइन वाले, अनुच्छेद 160 बड़ा सरल सा है एकदम। राज्यपाल शासन कौन? श्वेता मैडम बोल रही क्या? कल नहीं की थी क्लास अटेंड आपने? फिक्स 6 बजे ही निकले उनके घर से। दस बजे भी जा सकते थे सुबह। चलो कोई बात नहीं, सही उत्तर है राज्यपाल शासन। जबकि हमने जब ये शुरू किया था तब बोला था कि इतने दिन बचे हैं, एक भी दिन कोई क्लास मिस नहीं करेगा। मैं तो अपने वादे पे पक्का हूं। अब जिसको नई सिलेक्शन करना है तो वो छुट्टी करे, नहीं कुछ भी करे, मुझे क्या लेना देना। अनुच्छेद 160 राज्यपाल शासन। क्वेश्चन पूछा है मेंस में, ये क्वेश्चन आया है मेंस में, ये क्वेश्चन पूछा गया है राज्यपाल शासन। और हमें समझ में नहीं आया राज्यपाल शासन, हम अनुच्छेद 356 ही लिख के आए थे। मैडम आपने भी दिया होगा पेपर, 2014 या 15 का मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल शासन, नहीं तो आप चेक कर लेना उसमें दिया है। मैंने हमारे विशेषज्ञ से पूछा, पॉलिटिकल साइंस वाले सर से, उन्होंने भी नहीं बताया, उन्होंने वही बताया था। तो राज्यपाल शासन कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन व राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन व राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्यकर्ता है, प्रतिनिधि के रूप में कार्यकर्ता है। क्लियर है एकदम? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्यकर्ता है। जैसे अनुच्छेद 200 सॉरी अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। बाह्य राष्ट्रपति शासन ही हुआ ना, बाह्य आक्रमण के समय है, बाह्य आक्रमण वाला आपातकाल। तो ऐसे में राज्यपाल को राष्ट्रपति देगा ना अपनी शक्तियां, तो संबंधित राज्य में राज्यपाल शासन भी तो लागू हो सकता है। क्लियर हो गई ना बात एकदम? जब वो अपनी शक्तियां राष्ट्र राज्यपाल को दे देता है तो वो
कौन सा शासन कहलाता है? राज्यपाल शासन। और ये प्रावधान कायम है अनुच्छेद 160 में। अनुच्छेद 161, ये क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 161 कोई बता सकता है? अनुच्छेद 161 कोई भी बता सकता है, बताना चाहे तो। क्षमादान की शक्तियां किसको करेगा क्षमादान? ये क्षमादान की शक्तियां, बिल्कुल सही बोला आपने, क्षमादान की शक्तियां। हाँ, सीधा सा है, क्षमादान की शक्तियां मृत्युदंड की सजा को छोड़कर, मृत्युदंड की सजा को यह माफ नहीं कर सकता है ना। जैसे क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में और इनको अनुच्छेद 161 में, तो पूछ लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो राष्ट्रपति महोदय को मृत्युदंड की सजा भी माफ करने की शक्ति है, राज्यपाल महोदय को नहीं। क्लियर एकदम? तो क्या है, वो मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं करता, चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा ही क्यों न मिली हो। और यदि ऐसा है तो फिर उसे राष्ट्रपति से माफी मांगना पड़ेगा उस व्यक्ति को। ठीक, अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 162 कोई बताए इसमें कौन सी शक्ति है दी है? अनुच्छेद 162 कोई भी बता सकता है? अनुच्छेद जी राज्य की, हाँ हाँ ठीक है, राज्य, हाँ बिल्कुल ठीक है, लिखेंगे इसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमाएं, कार्यपालिका शक्ति की सीमाएं है, राज्य के कार्यपालिका शक्ति की सीमाएं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब मुख्यमंत्री वगैरह पढ़ेंगे तब ये आएगा, जैसे नियुक्ति के संबंध में कि कुछ सीमाएं होती हैं इनकी, राष्ट्रपति से सलाह लेना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें आता है। किसी विधेयक को वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक सकते हैं, वो सब बातें इसमें हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 162 राज्यपालिका, राज्य कार्यपालिक शक्ति की सीमा। फिर अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 क्या है इसमें? अनुच्छेद 163 में कोई बता सकता है? मंत्रिपरिषद, हाँ ठीक है, अभी बता तो दिया था मैंने, शुरुआत में ही बताया था, मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहयोग व सलाह देने के लिए, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सलाह व सहयोग देना, ये प्रमुख राज्यपाल से संबंधित हमने जो अनुच्छेद है वो पूरे पढ़ लिए। ठीक, अब कुछ और जगह है, जैसे अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266, जैसे अनुच्छेद 266 एक पढ़ लिया हमने, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेंगे, क्या है? संचित निधि, संचित निधि, अनुच्छेद 266 एक। और 266 में है लोक लेखा, 266 में क्या होता है? लोक लेखा। तो अनुच्छेद 266 में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्यपाल का जो वेतन होगा वो संचित निधि से होगा। क्लियर एकदम? संचित निधि से होगा, तो ये भी राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 266।
वेतन राज्य की संचित निधि से होगा और कितना है 3.5 लाख। वर्तमान में जो इनका वेतन है वो 3.5 लाख है। अब हम इनकी कार्यकारी शक्तियां पढ़ते हैं। अब अनुच्छेद नहीं, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हमने देखा कि फिर उसकी सीमाएं भी दी है। हम पढ़ रहे हैं अभी राज्य की कार्यकारी शक्तियां। पूरे अनुच्छेद हमने पढ़ लिए। अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, मुख्यमंत्री से विचार विमर्श के बात करेगा, ठीक। फिर अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 157 योग्यताएं, अनुच्छेद 158 राज्यपाल कार्यालय की कार्यविधि, अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ, अनुच्छेद 160 राज्यपाल शासन, अनुच्छेद 160 राज्यपाल शासन, अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा, अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद की राज्यपाल को सलाह देना, ठीक। फिर अनुच्छेद 266 पढ़ा हमने, 266 क्या, संचित निधि से वेतन उसका राज्य की संचित निधि से। अब हम इनकी कार्यकारी शक्तियां पढ़ते हैं। कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, तो सीएम व सीएम की सहायता से क्या करता है ये, हाँ, नियुक्ति। पहले तो सीएम की नियुक्ति करता है और सीएम की सलाह से वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, ठीक। सीएम व सीएम की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। फिर दूसरा अनुच्छेद 165 कोई बता सकता है काय से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 165 गुड मैडम, आपने भी कल क्लास अटेंड नहीं की थी, हाँ। अच्छा चलो ठीक है, आपसे कोई शिकायत भी नहीं रहती वैसे मुझे। अनुच्छेद 165 बहुत सही बोला मैडम, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, और उसकी नियुक्ति करते हैं महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है ना, केंद्र सरकार का न्यायिक सलाहकार, तो वैसे ही राज्य सरकार के लिए कौन होता है, महाधिवक्ता। हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में, अभी तो इतना ही पर्याप्त है, तो क्लियर हो गया। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, आप लोगों को पता होना चाहिए आप उसी की तैयारी कर रहे हो। राज्य लोक सेवा आयोग कहां पर है दीक्षा, सिरखेड़ में तो नहीं है, कहां पर है, क्या जगह का नाम बोलते नहीं आ रहा, अरे हेमलता, राज्य लोक सेवा आयोग कहां पर है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग कहां पर है, इंदौर में है, रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर, नरोन्ना तो वो नहीं, वो तो नियुक्ति होने के बाद में जो प्रशिक्षण देने वाला है, नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी प्रशिक्षण देने वाला है, नियुक्ति करने वाला राज्य लोक सेवा आयोग कहां पर है, इंदौर में, रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर में। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की
नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। कौन है अभी अध्यक्ष? श्री राजेश लाल मेहरा। ठीक, अब हम बात करेंगे हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में। में शब्द बड़ा कठिन हो गया यहां पे, नहीं तो अभी उत्तर कुछ अलग ही होता है ना। क्या करता है ये, क्या करते हैं राज्यपाल साहब इसमें? हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति महोदय को परामर्श देना। नियुक्ति तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चाहे चीफ हो या जस्टिस हो, चीफ जस्टिस हो या अन्य जस्टिस हो, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लेकिन जिस राज्य के लिए हो रहा है उस राज्य के राज्यपाल से सलाह ली जाती है। क्लियर हो गया? हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति महोदय को परामर्श देना। आगे लिखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। क्या है यहां पर? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यहां पे क्वेश्चन बनता है विकल्प में, है ना, जनजातीय मंत्री। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब यह महाराष्ट्र दे दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश दे दिया जाएगा, बिहार दे दिया जाएगा और एक राज्य को हटा देंगे वहां से और बोलेंगे छाटो बीनो। अब इसमें से क्वेश्चन कठिन हो जाता है ना। तो कौन कौन से चार राज्यों में बताया मैंने? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। अगला, राज्य के प्रशासन के संबंध में, राज्य के प्रशासन के संबंध में सीएम से जानकारी मांग सकते हैं और राज्यपाल को जानकारी देने के लिए सीएम बाध्य है, बाध्य है। और क्या है? एक तो मेरे से संबंधित भी है भाई। क्या है मेरे से संबंधित? आप क्या सोच रहे हैं मेरे से संबंधित है? जी बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत ही मानना पड़ेगा आपकी सोच को। जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं, कुलपति नहीं, कुलाधिपति होते हैं। जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, नहीं, वो चांसलर वाइस चांसलर तो अलग अलग होते हैं, अभी तो इतना ही याद रखो। कुलाधिपति खुद होते हैं और कुलपति ये नियुक्त करते हैं। चांसलर कुलपति हर विश्वविद्यालय के अलग अलग होते हैं, ठीक, और ये कुलाधिपति होते हैं। क्लियर हो गए? कार्यकारी शक्तियां मतलब नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। क्वेश्चन पूछ सकते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां लिखे। अब हम बात करते हैं राज्यपाल के विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। शांतनु जी आपके समझ में आ गया ना जो क्वेश्चन पूछा था आपने? हर विश्वविद्यालय का कुलपति अलग होता है जिसे राज्यपाल महोदय द्वारा चांसलर वो नियुक्त किया जाता है और ये सारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पदेन होते हैं। इसे कोई नियुक्त नहीं, कुछ नहीं, पदेन होते हैं। हाँ, संबंधित राज्य के, उस राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होंगे। अब है विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों का क्या संबंध है?
कानून बनाने से संबंधित। बहुत बढ़िया, आप तो सीख रहे हो धीरे धीरे यहाँ पे आके, मुझे लग रहा था कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। कानून बनाने से संबंधित शक्तियां, विधि निर्माण से संबंधित शक्तियां। तो राज्य विधानमंडल की, राज्य विधान मंडल के सत्र को आहूत करना, आहूत करना, सत्रावसान व विघटित करना, व विघटित करना। सत्रावसान क्या होता है और विघटित क्या होता है? सत्र अपन ने पढ़ा ना, बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। तो सत्र खत्म हो गया, घोषणा कर देना कि अब समाप्त है, है? विघटित कर देना मतलब बीच में ही भंग कर देना। क्लियर हो गया ना एकदम? आहूत करना मतलब बुलाना कि इस तारीख से इतने दिन तक ये सत्र चलेगा। राज्यपाल, अब तो ये खत्म हो गया, लेकिन है अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333, राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। लेकिन अब तो अनुच्छेद 100 नहीं, संविधान संशोधन अधिनियम 104 द्वारा इसे संशोधित कर दिया, ठीक, नहीं तो पहले यह प्रावधान था। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग? 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्लियर हो गया एकदम? विधान परिषद, जिन भी राज्यों में विधान परिषद है, सभी राज्यों में तो है नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो जहां जहां विधान परिषद है, और विधान परिषद का जब गठन होता है तो उसके 1/6 सदस्यों को राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत किया जाता है। किस क्षेत्र के होंगे ये? जैसे जैसे 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं ना राज्यसभा के लिए, वो होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता। क्या क्या? विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा और सहकारिता से जुड़े हुए सदस्यों को ये मनोनीत कर सकते हैं। विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित, अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्धारण निर्वाचन आयोग के परामर्श से करना, परामर्श से करना। पढ़ाना हमने केंद्रीय वाले, इसमें पढ़ा ना दो प्रकार की, अनुच्छेद 102, 103 पढ़ा उसमें संसद सदस्य की अयोग्यताएं। तो ऐसे इस उसमें पढ़ा हमने कि यदि सामान्य स्थिति में है तो फिर राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से। अब मुझे ये बताए यहां कौन सा निर्वाचन आयोग आएगा? अब राज्यपाल महोदय बर्खास्त करेंगे उसे, लेकिन किससे सलाह लेंगे वो? हाँ जी, आप तो कुछ बोलोगे नहीं, आप बोलेंगे कि मैडम कुछ किस निर्वाचन आयोग से? मुझे पता था आप यही बोलोगे, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा था, लेकिन आपने खुदा के खता कर दी एकदम। भाई राज्य निर्वाचन आयोग तो पंचायतों के लिए है ना, स्थानीय निर्वाचन के लिए है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो हो सकता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त तो
हो सकता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग तो नियुक्त किया जाता है, जिस राज्य में निर्वाचन होना है तो वहां के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। बात क्लियर हो गई एकदम? क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का ही काम है संसद में, चाहे लोकसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन करवाना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य है। अगला लिखेंगे, बिल पर हस्ताक्षर करना। जो जितने भी विधेयक वगैरह पारित होते हैं तो पारित होने के बाद में उस पर हस्ताक्षर करने, जैसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते तभी कानून बनता है, वैसे राज्य के लिए राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं तो ही कानून बनता है। विधानमंडल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बना सकता है, अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, बना सकता है। क्लियर है? ये ज्यादा कठिन काम नहीं है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 213, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अनुच्छेद 213, जब 2008 में संविदा शाला शिक्षक वर्ग एक पे मेरी नियुक्ति हुई थी तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ये क्वेश्चन था। विकल्प थे राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, दोनों को, या एक और कोई विकल्प रहा होगा। मैं तो करके आ गया था दोनों को, गोला भी काला कर दिया और फिर बड़ा दुखी हुआ मैं, गलत कर दिया। घर जाते तक वैसे ही सोचते रहा, तब मुझे मोबाइल भी चलाते नहीं आता था इतना, 2008 में कहाँ इतना इंटरनेट और ये और वो था, कीपैड वाले मोबाइल। घर जाके किताब में मिला है तो मैं सही था जो मैंने निर्णय लिया था कि केंद्र में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत है, तो राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत है। ठीक है, लिखेंगे इसे, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, लेकिन राज्य सूची के विषय पर, याद ये भी लिखना है, राज्य सूची के विषय पर, केंद्र सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। और इसकी शक्ति वही होगी जो विधानमंडल द्वारा पारित कानून की होती है, और कितने महीने के लिए वैध होता है ये, 6 माह 6 सप्ताह राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश, 6 माह 6 सप्ताह वही शक्ति होगी जो विधानमंडल द्वारा पारित कानून की होती है। इसके बाद क्या होगा, 6 माह 6 सप्ताह के बाद रद्द हो जाएगा ये, या विधानमंडल को कानून इसे स्वीकृति देना पड़ेगा। विधानमंडल यदि स्वीकृति दे देती है तो ये कानून बन जाएगा, और यदि नहीं दी तो फिर शून्य हो जाएगा, क्योंकि विधानमंडल के जो सत्र होते हैं वो साल भर में 3 होते हैं, लेकिन 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। पता चला कि जैसे ही सत्र खत्म हुआ राज्यपाल महोदय जी ने अध्यादेश जारी कर दिया। कभी कभी होता है ऐसा, ये ऐसी स्थितियां कब बनती है, सरकार को ऐसा देखो अध्यादेश जारी करना है या नहीं करना है ये राज्यपाल महोदय के दिमाग में नहीं रहता, ये सलाह सरकार ही देती है, मंत्रिपरिषद ही देती है। अब कोई कानून पास करवाना होता है लेकिन ऐसा लगता है कि ये कानून अभी पास हो नहीं सकता, इसका विरोध होगा बहुत, तो जैसे ही सत्र खत्म होता है 2-3 दिन के अंदर अध्यादेश राज्यपाल से जारी करवा देते हैं। ठीक,
फिर अब 6 महीने के बाद में दूसरा सत्र होगा, तो अब जिस दिन सत्र शुरू होगा उसी दिन तो पारित नहीं हो सकता, तो इसलिए 6 सप्ताह का एक्स्ट्रा समय दे दिया जाता है कि उस 6 सप्ताह के अंदर आप पारित करवा दो, और तब भी पारित नहीं हुआ तो अब दूसरा सत्र खत्म हो जाएगा, तो फिर शून्य हो जाएगा। क्लियर होगी ना बात एकदम? तो इसलिए 6 माह 6 सप्ताह का समय दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वीटो, ये अध्यादेश की शक्ति थी, ये अब वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो शक्तियां। वीटो शक्तियां क्या होती है? अनुच्छेद 200 राष्ट्रपति के लिए क्या था? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 क्या था? उसमें राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होता है, नहीं तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, नहीं तो जेबी पॉकेट वीटो, अत्यंतिक वीटो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्यपाल के, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 राज्यपाल के विधेयकों पर अनुमति, राज्यपाल की विधेयकों पर अनुमति, अनुच्छेद 200 राज्यपाल की विधेयकों पर अनुमति। अब 3 स्थितियां बनती है इनके, या तो स्वीकृत, स्वीकृत कर सकते हैं, दूसरा क्या हो सकता है? पुनर्विचार के लिए रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या तो तुरंत ही निर्णय हो गया ना, तुरंत ही यह निर्णय हो गया, या तो स्वीकृत कर लिया या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। ये तो नहीं बोल सकता कि मैं इसे अस्वीकृत करता हूं, ऐसा बोलना रहा तो फिर कुछ बोलते ही नहीं है, क्या करते हैं वो चुपचाप अपने पास रख लेते हैं, कुछ नहीं जवाब देते हैं। तो लिखेंगे तीसरे इसमें, सुरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है, कोई जवाब नहीं देते उसके ऊपर। ये होता ना जेबी पॉकेट वीटो, यही हुआ ना जेबी पॉकेट वीटो, मतलब बताया ही नहीं कुछ भी और उसे अपने पास में रख लिया। लेकिन सभी विषय पर तो ऐसा नहीं कर सकते, कुछ विषयों पर तुरंत उन्हें हाँ ही बोलना पड़ता है, जैसे धन विधेयक से संबंधित कोई मामला हो, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक हो, तो उसे तो हाँ ही बोलना है, ठीक। लेकिन कुछ यदि ऐसा मामला है जो केंद्र सरकार से संबंधित हो, कुछ विशेष महत्व का हो, तो अनुच्छेद 201 ये भी याद रखना है, अनुच्छेद 201 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। क्लियर है एकदम? अनुच्छेद 201 कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकते हैं। जब हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे लिखेंगे हम वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है मेंस में, राज्यपाल के बारे में लिखने के लिए बोले तो हम बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई बात बोले ना तो सोचने में आ जाता है कि साला ये लिखे या नहीं लिखे, लिखे या नहीं लिखे। तो वित्तीय शक्तियों में क्या आएगा? अनुच्छेद 267 में क्या दिया है? वो तो 266 में आकस्मिक नीति, और आकस्मिक नीति पर अधिकार केंद्र में राष्ट्रपति का और राज्य में राज्यपाल का, ठीक। बात क्लियर हो गई एकदम? लिखेंगे राज्य आकस्मिक निधि से खर्च के लिए राज्यपाल से
सलाह लेना आवश्यक है, सलाह लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 202 में क्या है, कोई बता सकता है क्या? बजट, राज्य का बजट और केंद्र का बजट, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में केंद्र का बजट और 202 में राज्य का बजट। बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। लेकिन प्रस्तुत कौन करवाता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। तो अनुच्छेद 112 की बात करें या अनुच्छेद 202 की बात करें, अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का और राज्यपाल का। ठीक, तो राज्य के बजट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है, राज्य के बजट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है। ये काय में है? अनुच्छेद 202। फिर जैसे केंद्र में हमने पढ़ा अनुच्छेद 110, 114, 117, धन से संबंधित जितने भी मामले हैं, करों को कम करना है, बढ़ाना है, इससे संबंधित कोई भी विधेयक प्रस्तुत करना हो, राज्यपाल से अनुमति लेना पड़ेगा, पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। लिखेंगे इसे, करों से संबंधित प्रावधान के लिए राज्यपाल से अनुमति लेना आवश्यक होता है। कोई भी करना हो, राज्यपाल से अनुमति लेना आवश्यक होगा। क्लियर हो गई बातें? ये कौन सी शक्तियां हो गई? वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। अब लिखेंगे न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हो सकती है भाई? न्यायिक शक्तियां, ऑनलाइन वाले बताए कोई भी, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। हाँ, गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, है ना? तो अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति कहाँ पड़ी अपन ने? अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति, मृत्युदंड को छोड़कर। और फिर राज्य के न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है, लेकिन जो दूसरे न्यायाधीश है हाई कोर्ट को छोड़कर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश वगैरह, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। याद रखना, राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब आप अच्छे से लिख सकते हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है, और जो जिला सत्र एवं अन्य न्यायाधीश वगैरह होते हैं, इन सब की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां कितने प्रकार की विवेकाधीन शक्तियां होती है? जयंत कुमार हो तो बोल। राज्यपाल की, गुड, हाँ, कंडीशन के हिसाब से, मतलब परिस्थिति जन्य शक्तियां, है ना? विवेकाधीन शक्तियां पढ़ रही है, क्वेश्चन भी हमने लिखा है एग्जाम में, विवेकाधीन शक्तियां, मतलब इसमें संविधान में उतना अधिक इनको अधिकार नहीं दिया है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि इन्हें स्वयं निर्णय लेना होता है। तो है परिस्थिति जन्य शक्तियां, परिस्थिति जन्य शक्तियां, और दूसरा कौन सा बताया? संवैधानिक, जो संविधान में दिया हुआ है, संवैधानिक
संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां। परिस्थितिजन्य कौन कौन सी हो सकती है? परिस्थितिजन्य जैसे सीएम की नियुक्ति करना, सीएम की नियुक्ति करना, अब ये तो दिया है उसमें, लेकिन ये परिस्थितिजन्य कैसे हो गई? परिस्थितिजन्य कैसे हो गई? किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो तो फिर वो किसी भी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। बहुमत दल का जो नेता होगा ये ऐसा लगेगा कि ये काम कर सकता है, सरकार बना सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। क्लियर हो गई एकदम बात? अब संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां ये कौन सी होगी, कोई बता सकता है? संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 क्या है इसमें? अनुच्छेद 356 हाँ, तो राज्यपाल क्या है ये इनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो राष्ट्रपति महोदय को सूचित करे या नहीं। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ये हो गया। अगला यदि देखें तो राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए, स्वीकृति के लिए विधेयक को आरक्षित करना, हमने पढ़ा ना अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 200 में तो उसे विधेयक को स्वीकृत करना है, अस्वीकृत करना है, पुनर्विचार के लिए वापस करना है, लेकिन 201 में क्या दिया है कि वो राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये विवेकाधीन अधिकार है उसका। ठीक, अगला यदि देखे राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में, प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं। क्लियर हो गया क्या ये? 5 नंबर का लिख सकते हैं विवेक, उसकी विवेकाधीन शक्तियां कितने तरीके से पढ़ी हमने? 2 प्रकार से, परिस्थितिजन्य शक्तियां और संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां। ये जो सबसे लास्ट में लिखा किसी विधेयक, एक और लिखना है अनुच्छेद 167 ए, अनुच्छेद 167 ए, 167 ए, अनुच्छेद 167 में कोई बता सकता है कि क्या है अनुच्छेद 167, 167? ये वैसे जब मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तब आएगा उसमें, हम राज्यपाल ही पढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री संबंधित है कि क्या मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि जितने भी विधेयक वगैरह पारित हो रहे हैं उसके विषय में राज्यपाल को जानकारी देना। राज्यपाल चाहे तो मांग भी सकता है, तो अनुच्छेद 167 एक में यह प्रावधान दिया हुआ है। ठीक, अनुच्छेद 167 एक, किसी विधेयक को चर्चा के लिए विधानसभा में रखवा सकता है, रखवा सकता है,
अनुच्छेद 176 में भी एक विवेकाधिकार है उनका, अनुच्छेद 176। ऑनलाइन वाले बता सकते हैं किसी ने पढ़ा हो तो, अनुच्छेद 176। कविता मैडम बताने की कोशिश करिए जरा, अनुच्छेद 176। हाँ, विधानमंडल में, संसद में नहीं, राज्य विधान मंडल में, ठीक है, सत्र के प्रारंभ में, ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन की बात कर रहे हैं, क्या है? राज्यपाल का विशेष संबोधन, जब भी सत्र शुरू होता है तब ये संबोधन दे सकते हैं, जब नई नई सरकार का गठन होता है तब तो देना ही होता है, जब प्रथम सत्र चल रहा होता है, या जब भी सत्र प्रारंभ होता है तब भी अपना संबोधन दे सकते हैं। क्लियर हो गया राज्यपाल के विषय में? अंतिम क्वेश्चन हम एक पढ़ेंगे इसमें, राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय के बीच में अंतर, क्या अंतर है? तुलना कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, राज्यपाल शक्तिशाली है या राष्ट्रपति? स्वाभाविक है राष्ट्रपति होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो राष्ट्रपति को नहीं है, राज्यपाल को है, ठीक। तो हम अंतर पढ़ेंगे दोनों के बीच में। तो सबसे पहले वीटो की शक्ति की तुलना करते हैं, वीटो की शक्ति की तुलना, वीटो की शक्ति की तुलना राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में। आप लोगों ने पढ़ लिया है तो वैसे ही कर लूंगे, लेकिन राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन के का प्रावधान है, का प्रावधान है, राज्यपाल को नहीं, राज्यपाल को नहीं। ये वीटो की शक्ति का अंतर है। राज्यपाल क्या कर, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, राज्यपाल के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अध्यादेश के संबंध में भी अंतर है थोड़ा सा, अध्यादेश के संबंध में भी देखो अंतर के कारण हमें पता होना चाहिए। पहला क्या बताया मैंने, वीटो शक्ति के संबंध में अंतर, दूसरा है अध्यादेश के संबंध में शक्तियों में अंतर, यह भी हम थोड़ा सा वहां पर लिख सकते हैं। तो अध्यादेश तो राष्ट्रपति भी जारी करते हैं अनुच्छेद 123 और 213 के तहत, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? राष्ट्रपाल हो या राष्ट्रपति हो, अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद का किसी भी सदन का कोई सत्र न चल रहा हो, कोई भी सत्र न चल रहा हो। ऑनलाइन वाले कुछ बोल रहे क्या इसके विषय में? नहीं, क्या हाँ 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 बस ये कर सकते हैं, है ना? तो ये सही बोला आपने, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो केंद्र सूची के विषय पर, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर। और भी कुछ अंतर हो सकता है, राष्ट्रपति की हो या राज्यपाल की हो, या अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक
नहीं है। अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल प्रधानमंत्री, सुनना है, सिर्फ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद के सलाह पर कर सकता है। तो वैसे राज्यपाल भी अध्यादेश को वापस लेने का काम मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली समिति के परामर्श पर कर सकता है। बस सिर्फ हमें अंतर में इतना सा लिखना है कि इधर राष्ट्रपति संघ सूची, इधर राज्य राज्यपाल और फिर राज्य सूची मुख्यमंत्री, ये शब्दों का नाम लेते हुए इसमें अंतर करना है। 6 माह वो भी वैलिड है तो 6 माह ये भी वैलिड है, ठीक। उसे केंद्रीय संसद द्वारा स्वीकृत करना पड़ेगा, इसे राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत करना पड़ेगा। तो इसी तरीके का अंतर समझ में आया मुझे। फिर क्षमादान के मामले में अंतर हो सकता है, दोनों में अंतर का आधार बता रहा हूं मैं, क्षमादान के मामले में अंतर। केंद्रीय विधि के विरुद्ध राष्ट्रपति किसको क्षमा करता है? केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो तो उसे कौन क्षमा करेगा? राष्ट्रपति। और राज्य विधि के तहत किसी को अपराधी घोषित कर दिया जाए तो फिर उसे कौन माफ कर सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति सजाए मौत को माफ कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्यु दंड, राज्यपाल जो है मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है, ठीक। एक और अंतर है यहां पर, राष्ट्रपति के पास में कोर्ट मार्शल या सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति को माफ करने का अधिकार है, राज्यपाल के पास में नहीं। ये भी महत्वपूर्ण अंतर। तो क्षमादान की शक्ति के संबंध में 2 अंतर हमने पढ़े, 3 अंतर, ये तो केंद्रीय विधि के अनुसार और इधर राज्य विधि के अनुसार। दूसरा अंतर, राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल या सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को भी माफ करने का अधिकार है, राज्यपाल को नहीं। क्लियर हो गया ये क्षमादान की शक्तियों में अंतर, ठीक। इसी प्रकार न्यायिक शक्तियों में अंतर भी हम कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आदि को नियुक्त राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं। इस संबंध में अंतर हम लिख सकते हैं। तुलना करने के लिए आ सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पूरा हमें राष्ट्रपति को पढ़ना पड़ेगा, राज्यपाल को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में ही इस क्वेश्चन का हम आंसर तैयार कर सकते हैं। मेंस में जो 11 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हमें थोड़ी सी समझ विकसित करने की जरूरत पड़ती है। टू द पॉइंट इसका उत्तर नहीं हो सकता, टू द पॉइंट इसका उत्तर नहीं हो सकता। परिस्थितियां हमें क्रिएट करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल ये कर सकते हैं, राष्ट्रपति ये कर सकते हैं। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका में 2 मुख्य अंग, एक राज्यपाल और दूसरा मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 अभी हमने पढ़ लिया, अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा। शांतनु जी कुछ बोल रहे हैं क्या? राज्यपाल को सलाह देना, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह देना। सॉरी, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह देना। और अनुच्छेद 164 यहां से शुरू होती है प्रक्रिया। क्या होगा अनुच्छेद 164? नियुक्ति किसकी? सीएम, और सीएम की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है अंकित? राज्यपाल। इसमें सोचने की क्या जरूरत है? अच्छा, राज्यपाल द्वारा सीएम की नियुक्ति और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा सीएम की
वह उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 दीक्षा बताएगी, हेमलता भी बता सकती है। अनुच्छेद 165 अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। अंकित याद है तो बको। अमरु महाधिवक्ता, महाधिवक्ता अभी पढ़ा ना हमने, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति। अनुच्छेद 166 अनुच्छेद 166 राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति और अनुच्छेद 166 प्रक्रिया है, प्रक्रिया है ना, लिखेंगे राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही, राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही, संचालित कार्यवाही। अनुच्छेद 167 अनुच्छेद 167 167 कोई बताए जरा क्या है, अभी पढ़ा भी था हमने अनुच्छेद 167 अनुच्छेद 167 वन भी पढ़ा अपन ने। मुख्यमंत्री का दायित्व, मुख्यमंत्री का दायित्व किस संबंध में, राज्यपाल को सूचना देना, अभी पढ़ाना अपन ने, लिखेंगे राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व, मुख्यमंत्री का दायित्व। ठीक, अब इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री का दायित्व किस किस संबंध में राज्यपाल को सूचना देते हैं, मुख्यमंत्री के दायित्व की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में क्या दायित्व होते हैं मुख्यमंत्री के, एक एक बात नोट करेंगे, एक एक दो दो लिखेंगे। राज्य सरकार के प्रशासन संबंधी जानकारी, राज्य सरकार के प्रशासन संबंधी जानकारी राज्यपाल को देना, राज्यपाल को देना। दूसरा, मंत्री सॉरी संवैधानिक पदों की नियुक्ति के संबंध में, संवैधानिक पदों की नियुक्ति के संबंध में, संवैधानिक पदों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना, राज्यपाल को सलाह देना। क्लियर है एकदम। तीसरा पॉइंट अब लिखेंगे, मंत्रिपरिषद के संबंध में उसके दायित्व, मंत्री परिषद के संबंध में दायित्व। हम मुख्यमंत्री के दायित्व पढ़ रहे हैं, कार्य एवं शक्तियां, तो मुख्यमंत्री के संबंध में दायित्व, मंत्रिपरिषद के संबंध में दायित्व क्या क्या है। हमने एक ही लाइन पढ़ी थी, अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा सीएम की नियुक्ति और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, तो ये कार्य है सीएम का। तो लिखेंगे राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश करना। कभी कभी पूछ लिया जाता है मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां लिखी, तो क्या लिखे, भाषण देना, ये वही बोलते, ये सब कार्य है क्या।
राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश करना या परामर्श देना। दूसरा, मंत्रालयों का आवंटन व फेरबदल करना। जैसे केंद्र में वित्त मंत्री वगैरह होते हैं, वैसे राज्य में भी होते हैं, तो किस मंत्री को कौन सा पद देना है, और कभी बदल भी सकते हैं मंत्रालय। ठीक, हेमलता, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल की हो या मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। अब यहां पे विधानसभा अध्यक्ष भी ऑप्शन में रहेगा, और हम यही बोलते हैं कि विधानसभा की बैठक हो तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन सिर्फ मंत्रिपरिषद की बैठक हो या उससे भी सुप्रीम बैठक हो, किसकी होगी? मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हो तो उसकी अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री करते हैं, और मंत्रिपरिषद की हो जिसमें अन्य मंत्री भी हो तो भी उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन विधानसभा की बैठक हो तो फिर विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक, वहां मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, क्योंकि तब तो वो भी उसके सदस्य रहते हैं विधानसभा के। तो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। राज्यपाल व अगला जो कार्य है इनका, राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करना। कड़ी का कार्य करना, वो पीने वाली नहीं, कड़ी मतलब मंत्रिपरिषद की बातें राज्यपाल तक पहुंचाना, राज्यपाल के निर्देश जो है वो मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना। अब राज्यपाल महोदय एक एक मंत्री से तो बात नहीं कर सकते हैं, वो सीधी किससे बात करेंगे? मुख्यमंत्री से। उनका संदेश वो पूरे मंत्रिपरिषद तक पहुंचाएंगे, और मंत्रिपरिषद में जो जो चर्चा हो रही है वो राज्यपाल तक पहुंचाना, ये इनका कार्य है। क्लियर हो गया ये मंत्रिपरिषद के संबंध में दायित्व। विधानमंडल के संबंध में दायित्व, विधान मंडल के संबंध में दायित्व, विधानमंडल के संबंध में दायित्व, तो क्या हो सकता है? पढ़ लिया हमने, ये मुख्यमंत्री के कार्य में पढ़ा ना हमने, राज्यपाल के संबंध में पढ़ा, सत्र सत्र है ना, तो ये सब आदेश तो वो देते हैं, लेकिन वास्तव में कौन करते हैं ये सब? सीएम साहब करते हैं। ठीक, लिखेंगे सत्र आहूत व सत्रावसान करने की सलाह देना, अनुच्छेद 175 में प्रावधान है ये। राज्य सरकार की मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करना, राज्य सरकार की मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करना, और तीसरा, इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है, इसमें कंफ्यूज हो सकता है। अब सरल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, विधानसभा के विघटन करने की सिफारिश कौन करता है? अब तो उत्तर पता ही है आप लोगों को, लेकिन यदि हम चर्चा नहीं कर रहे हो तो सीधा राज्यपाल पे चल जाते हैं विधानसभा के, क्योंकि हमने पढ़ा राष्ट्रपति शासन कौन करता है, अनुशंसा इसकी राज्यपाल करता है, लेकिन विधानसभा को विघटित करना है तो इसकी सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा ना, वे अब हमसे सलाह, सरकार चलाना नहीं हो रहा है, आप तो इसको विघटित कर दो। और जब नियम के अनुसार शासन भी न चले और सरकार इस्तीफा भी न दे, तब राज्यपाल सलाह देता है राष्ट्रपति को कि भाई ये कुछ मेरे अनुसार काम नहीं हो रहा है, अब तुम ही कुछ वहां से हस्तक्षेप करो। लेकिन यह तो सीधा सर मुख्यमंत्री बोल सकता है कि हमारा बहुमत कुछ हो नहीं रहा है, आप तो हमें बर्खास्त कर दो। क्लियर हो गया ना, तो है ना क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, गलत हो सकता था, हम राज्यपाल महोदय के पास जा सकते थे, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये बात की जाती है राज्यपाल से। विधानसभा
की विघटन करने की सिफारिश करना, सिफारिश करना, ठीक, विधानमंडल के संबंध में दायित्व। अब अन्य दायित्व यदि देखें, अन्य दायित्व, अन्य दायित्वों की बात करें, सीएम राज्य बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य बोर्ड का अध्यक्ष होता है, जितने भी बोर्ड है राज्य में। अंतर राज्यीय परिषद, अंतर राज्यीय परिषद मतलब जितने भी राज्य हैं उनके एक परिषद, अंतर राज्यीय परिषद, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या होता है, ये क्या होता है, सदस्य होता है, अध्यक्ष नहीं, नहीं तो इसमें भी अध्यक्ष बोल देंगे। ये केंद्र सरकार के संस्थान है, तो ये जितने भी होते हैं उन सब में मुख्यमंत्री सिर्फ उसका सदस्य होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। आप जैसे NDC की बात कर रहे हैं तो उसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते, पदेन होते हैं, और पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होंगे, उसके सदस्य होंगे। ऐसे ही नीति आयोग के इसमें भी है, ठीक, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य सारे राज्यों के मुख्यमंत्री वगैरह, ठीक। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है, अब हम अनुच्छेद 165 को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहां पर महाधिवक्ता के संबंध में दो तीन लाइन हम पढ़ लेते हैं। कौन होता है प्रवक्ता, महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है या सलाहकार होता है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर। क्या योग्यताएं होना चाहिए, क्या योग्यताएं होना चाहिए इसकी, राज्यपाल के दृष्टि में, राज्य, हाँ, हाई कोर्ट का जज बनने योग्य हो और राज्यपाल की दृष्टि में विधि वेत्ता हो, दो शर्तें हैं, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो और राज्यपाल की दृष्टि में विधि वेत्ता हो। पदावधि कितनी होती है शांतनु जी इनकी, महाधिवक्ता की, महाधिवक्ता की पदावधि हाँ बस वो दूसरी बात सही है, पहली नहीं, 5 साल का कोई प्रावधान नहीं है इनका, ठीक। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल की निश्चित अवधि नहीं है, कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। कार्य क्या होते हैं इनके, राज्य को विधि संबंधी सलाह देना, कार्यों में राज्य को विधि संबंधी सलाह देना, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्य, जब सुनवाई होती है तो कोर्ट में बैठ सकता है, सरकार का पक्ष रखता है, ये सही है क्या, हाँ, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, मतलब निर्णय देने का अधिकार नहीं है, हाई कोर्ट में जाकर निर्णय नहीं दे सकता। सरकार की जो बैठकें होती है मंत्रिपरिषद या विधानसभा की जो बैठकें होती है तो वहां पे भी बैठ सकता है ये, लेकिन वहां पर मत देने का अधिकार नहीं है, दो जगह बताया मैंने, है ना। तो
तो हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रख सकता है, निर्णय करता है कि वहाँ पर नहीं, कानूनी सलाहकार है ये, सरकार को सलाह देता है, निर्णय करना इसका काम नहीं है। इसी प्रकार यदि विधानसभा की बैठकें होती है, परसों के दिन भी पढ़ा था ना अपन ने संसदीय विशेषाधिकार में, तो ऐसे बाहरी लोगों को बाहर कर सकते हैं, तो ये बाहरी ये बैठ सकते हैं वहाँ पर, लेकिन मत नहीं दे सकते। जब वोटिंग वगैरह होती है तो ये मत नहीं दे सकते हैं। क्लियर हो गया। महाधिवक्ता के विषय में अनुच्छेद 165, कौन होता है महाधिवक्ता? सरकार, राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार। ठीक है, सलाहकार। तीन नंबर का क्वेश्चन आता है, हमें पूरा पता रहता है, दो लाइन लिखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, और इतना पढ़ने के बाद में भी कोई नहीं लिखेगा अनुच्छेद 165, जबकि शुरुआत उसी से करना चाहिए। अनुच्छेद 165 लिख दिया तो आधा काम तो हमारा बिना बोले ही हो गया। अनुच्छेद 165, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 168 क्या है इसमें। अनुच्छेद 168 कोई बता सकता है? अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल, और अनुच्छेद 169 विधान परिषद, विधान परिषद। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल विधानसभा, और अनुच्छेद 169 विधान परिषद की स्थापना। क्या प्रावधान है अनुच्छेद 170 में? अनुच्छेद 170 हम दो चार सिर्फ पॉइंट पॉइंट नोट करते हैं और फिर हम डिटेल में बताएंगे उसको। अभी कुछ पॉइंट, अनुच्छेद 170 विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर। देखो 168 और 169 को फिर से समझे हम थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि वो समझ मिली। अनुच्छेद 168 क्या बताया? विधानमंडल, विधानमंडल में क्या क्या आता है? विधानमंडल में ये विधानमंडल की बात की हमने, राज्य विधान मंडल, इसमें दोनों चीज आएगी, विधानसभा व विधान परिषद। ठीक, ये दोनों एक में ही है अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 169 में क्या है? विधान परिषद का गठन करना हो तो उन राज्यों के लिए जहां पर विधानसभा, सॉरी विधान परिषद नहीं है, यदि वहां विधान परिषद का गठन करना हो तो उस प्रावधान उसमें कायम दिए अनुच्छेद 169 में। बात समझ में आई ना? नहीं, विधान परिषद का गठन करना हो मतलब विधानसभा परिषद है ही नहीं वहां पर, तो उसके लिए ये प्रावधान अनुच्छेद 169 में। विधान परिषद है तो उसके चुनाव कैसे करवाना है, 1/6 राज्यपाल द्वारा, ये सब इसमें दिए हुए रहेंगे, वो इसमें अनुच्छेद 168 में। अब क्लियर हो गया अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 इसमें विधानसभा के चुनाव कैसे होंगे? प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। कितने सदस्य होने चाहिए विधानसभा में? न्यूनतम 60 सदस्य होना चाहिए, अपवाद हो सकता है कहीं पर न्यूनतम 60 सदस्य होना चाहिए तो ही विधानसभा पूरी मानी जाएगी। एमपी में कितने हैं? 230, और स्वतंत्रता से पहले कितने थे? 320। स्वतंत्रता नहीं, छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व जो है 320 सदस्य विधानसभा थी। अब हम अनुच्छेद 332 पढ़ लिया हमने, अनुच्छेद 332 क्या है? विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण पढ़ा हमने। अब फाइनल आंकड़ा नोट करेंगे, मध्य प्रदेश में एससी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? शांतनु जी बताया जरा, मध्य प्रदेश में एससी एसटी के लिए
मध्य प्रदेश विधानसभा में एससी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? शांतनु जी, कविता मैडम, हजारे मैडम, श्वेता मैडम, हाँ, और एससी के लिए हाँ, मैं सिर्फ विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं टोटल 82 सीटें आरक्षित है, कितनी? 82 है। एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 47। एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 47। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही अनुच्छेद 330 पढ़ा हमने, क्या था उसमें? लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद 330। तो जयंत कुमार, आप बताइए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है एससी एसटी के लिए? शायद से काम नहीं चलेगा, जमाना बदल रहा है, 2 साल भी हो रहे पढ़ते पढ़ते। 131 सीटें लोकसभा में, कितनी? 131। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। ठीक, जितनी केंद्र के लिए है उतनी राज्य में भी है, ठीक, 47 याद रखना, 131। एमपी में आरक्षित सीटें कितनी है एससी एसटी के लिए लोकसभा की? हाँ, 10। हाँ, 4 और 6 10। ठीक है, कितनी कुल कितनी है? 10 एससी एसटी के लिए, 10 मध्य प्रदेश से। जो टोटल 29 सीटें हैं ना लोकसभा की, उसमें से 10 सीटें आरक्षित है एससी के लिए, 4 और एसटी के लिए 6। और इन सीटों का आपको ये भी याद होना चाहिए कि 4 सीटें एससी के लिए कहाँ आरक्षित है, 6 सीटें एसटी के लिए कहाँ आरक्षित है, इसकी सूची भी हमारे पास में होना चाहिए। क्या देश वाले का कुल बोल दीजिए? 131, एससी की 84, एसटी की 47। ठीक, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 170 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 173, इसको थोड़ा सा हम नोट करते हैं। अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 173, कोई बताया जा रहा क्या प्रावधान है अनुच्छेद 173? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार विधानसभा के सदस्य की योग्यता है, विधानसभा सदस्य के लिए योग्यताएं, क्या योग्यताएं होती है? भारत का नागरिक हो, पच्चीस वर्ष की न्यूनतम आयु हो, संबंधित राज्य का निवासी व संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम हो, ये कायम में है 173। ठीक, फिर ये और बातें जो सामान्य से पागल या दिवालिया ना हो, ये सारी बातें उसमें रहेगी। 171 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 171 अनुच्छेद 171 कोई बता सकता है क्या?
श्वेता मैडम को पता होगा, मुझे पता है। हेलो, नहीं, विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन, विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन मतलब कैसे निर्वाचन होगा उसका, साथ ही विधानसभा के कुल सदस्यों का एक तिहाई से अधिक न होना, एक तिहाई से अधिक न होना। जैसे मान के चलो कि मध्य प्रदेश में 300 सीटें हैं विधानसभा की, किसी भी राज्य में 300 सीटें हैं, तो विधान परिषद में कितनी सीटें होना चाहिए? 100 सीटें होना चाहिए, ठीक। विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी पड़ी अपन ने? 60। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है 40। कितनी है? 40। कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन भी गड़बड़ कर देता है कभी कभी। विधानसभा की सदस्य संख्या न्यूनतम 60, कम से कम 60 होना चाहिए, और विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 40, कम से कम 40, कम से कम 40 हो, लेकिन अपवाद हो सकते हैं, इसके भी अपवाद हो सकते हैं। अब जो हमने अनुच्छेद 171 में पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा है और मेंस में भी पूछा है, और बड़ा कठिन क्वेश्चन है, याद रखना है बराबर, टोटल हमें एक करना है। तो अब कैसे, किस आधार पर होता है इनका निर्वाचन? विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से, लिखना है सुनना ही नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर आधारित, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर आधारित, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर आधारित, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य। 1/3 का निर्वाचन, फिर दूसरे, 1/3 का निर्वाचन स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, इनके द्वारा 1/3। 1/12 किसके द्वारा? अमरु। 1/12 माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा 1/12 स्नातकों के द्वारा, जितना भी स्नातक लोग हैं, हमें नहीं पता ये सब, मध्य प्रदेश वालों को नहीं पता ये सब, ये भी नहीं पता कि ये इसका निर्वाचन कब होता है, क्यों नहीं पता अंकित? क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, यदि यहाँ होता तो हमें भी पता होता, फिर भूलते यार मैं भी तो स्नातक हूँ, मैंने तो कभी वोट नहीं दिया है ना, तो अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है। अब बचा कितना? 1/6 सदस्यों का, ये तो पढ़ लिया हमने, 1/6 सदस्यों का क्या होगा अंक? ये 1/6 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनयन, पढ़ा तो हमने पहले, 1/6 सदस्यों का क्या? राज्यपाल द्वारा मनोनयन। अब इसको जोड़ के बताओ जरा कितना होता है, एलसीएम कितना आएगा इसका? 12 आएगा, मैथ्स वाले भी है हमारे पास में, एलसीएम कितना आया? 12, 3 × 12, 3 × 12, 12 × 12, 12 × 12, 6 × 12, ठीक, 4 × 4 = 8, 8 × 2 = 10, और 2 = 12/12 =
एक हो गया कंप्लीट जितने सदस्य हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए बराबर। ये जोड़ घटाना नहीं, ऐसे जोड़ना तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन कितने सदस्यों से, 1/3 कहाँ से, 1/3 कहाँ से, 1/12 कहाँ से, 1/12 कहाँ से, 1/6 कहाँ से, ये हमें पता होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों के लिए योग्यताएं यदि देखें तो क्या योग्यता होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और न्यूनतम आयु, ये तो कठिन क्वेश्चन है जरा सा, 30 वर्ष, जो राज्यसभा सेम वैसे ही विधान परिषद। तो विधान परिषद के सदस्यों के लिए योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, बाकी जो है वो तो रहेगी, पागल या दिवालिया ना हो ये वो रहेगा ही उसमें। फिर कार्यकाल इनका, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कौन बताएंगे भाई, 6 वर्ष, 6 वर्ष, और 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। क्लियर एकदम। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अब हम छोटी छोटी बातें कुछ पढ़ेंगे, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी पढ़ी अपन ने, 60, विधानसभा की बात कर रहे हैं। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है अंकित, विधानसभा की 500, न्यूनतम 60 और अधिकतम कितनी हो सकती है 500, अधिकतम 500 हो सकती है। योग्यताएं पढ़ ली अपन ने उम्र के संबंध में, और ये यदि देखा जाए तो विधानमंडल और विधान परिषद दोनों सदस्यों की योग्यताएं सेम है, सिर्फ उम्र का अंतर है। विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। कार्यकाल विधानसभा का, आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक, पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है, एक समय में 1 वर्ष तक के लिए कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। हमने ये देखो बड़े अच्छे से नोट करना है इसे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सामान्य परिस्थितियों में कितना बढ़ाया जा सकता है हम अभी बताएंगे, अभी सिर्फ आपातकाल की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कितने वर्ष के लिए, एक समय में 1 वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, कितनी भी बार, मतलब 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, एक समय में 1 वर्ष तक, एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब एक एक वर्ष का बढ़ाते जाएंगे, एक एक वर्ष का, है ना, क्लियर हो गया ना। अब आपातकाल के दौरान चुनाव तो नहीं करवा सकते, यह बात क्लियर हो गई, और आपातकाल नहीं है तो फिर एक बार में 6 माह के लिए, सिर्फ 6 माह के लिए, सामान्य स्थितियों में एक बार में आपातकाल खत्म होने के बाद में 6 माह से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता, सीधा सा है, 6 माह से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। और इसका तो पता ही है, विधान परिषद का इसका कार्यकाल कितना होता है, विधान परिषद का, या शब्दों का हेर फेर है, विधान परिषद स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता। सदस्य का कार्यकाल हो सकता है, विधान परिषद का
नहीं, वो स्थायी सदन है, ठीक। लेकिन एक तिहाई सदस्य जो है वो प्रत्येक दो वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो एक बार सदस्य चुना जाता है तो कितने वर्ष के लिए? छः वर्ष के लिए चुना जाता है, क्योंकि दो वर्ष में एक तिहाई, तो दो तिया छः वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होता है। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्निर्वाचन और दोबारा नामांकन हेतु योग्य है विधान परिषद का लिए। दोबारा नामांकन हेतु योग्य है, दोबारा नामांकन हेतु योग्य है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? अभी मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल। पीठासीन अधिकारी, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी कौन? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होगा? विधानसभा अध्यक्ष। इसका कार्यकाल? विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल, ठीक। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल। जब तक विधानसभा रहेगी तब तक विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे। विधानसभा भंग तो विधानसभा के अध्यक्ष भी भंग। उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त होने पर भी और भी है, जैसे विधानसभा सदस्यता उसकी समाप्त हो जाए, जैसे लाभ का पद धारण कर ले, दल बदल के आधार पर ऐसा कुछ हो, तब उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे सकता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? और उसमें ऑप्शन बड़े अच्छे रहेंगे, सुंदर सुंदर एकदम, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो हमें तो कंफ्यूज करेंगे। लेकिन किसे देता है ये? विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। बहुमत द्वारा पारित संकल्प से भी इसको हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। विधानमंडल के सदस्य का पद कब रिक्त माना जाता है? विधानमंडल के सदस्य का पद कब रिक्त माना जाता है? हमने संसद का पढ़ा था ना, ऐसे इसका यदि देखें तो दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता। एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदस्यों का सदस्य नहीं हो सकता, उसमें से एक सीट से उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। निरअर्हता, तो यदि दल बदल के आधार पर हो तो पीठासीन अधिकारी, नहीं तो फिर राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से, ये हमने पढ़ लिया। त्यागपत्र दे सकता है, लिखित त्यागपत्र असमर्थता के आधार पर। अनुपस्थिति, अनुपस्थिति के आधार पर। अन्य मामले भी हो सकते, न्यायालय द्वारा भी उसके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दे, तो उसके निर्वाचन को ही शून्य घोषित कर दे तो। कोरम पूर्ति, ये भी पढ़ लिया हमने, गणपूर्ति।